ज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू दर कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल तो ये स्कूल में जो है क्या पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज ओनली जर्मन लैंग्वेज विल भी टॉट इन दिस स्कूल यहाँ पे क्या होगा न फ्रॉम टमोरो मतलब मिस्टर हेमेल जिस दिन स्पीच uh, दे रहे है उस दिन के अगले दिन से फ्रॉम टूमारो देर विल नॉट बी एनी टीचर हु विल टीच फ्रेंच क्लियर तो अगले दिन जो है कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा क्योंकि अब आदेश आ बर्लिन ऑर्डर केम दैट दे हैव टू ओनली लर्न जर्मन और स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाया जाएगा द न्यू मास्टर कम्स टुमारो अब न्यू मास्टर विल

वर्ड्स मेड ए सेंसेशन इनसाइड द हार्ट ऑफ फ्रांस फ्रांस के मन में एक उस वर्ड्स के एक मतलब इफेक्ट करता है ठीक है मतलब उसको अच्छा नहीं लगता ये अचानक से वो कभी क्लास की नहीं है वो द रेस दॉ वाइट वॉज वर्ड पुड अपन हॉल तो अच्छा मतलब यही टाउन हॉल में चिपका के रखे थे मतलब दिस इ, न्यूज यही न्यूज है माई लास्ट माई लास्ट फ्रेंच लेसन मतलब फ्रांस जो है फ्रांस कुड़ नॉट अंडरस्टैंड के इट वॉज का. क्योंकि वाई क्यों क्योंकि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट क्योंकि मुझे अभी तो पता ही नहीं कि लिखा कैसे जाता है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर मैं कभी तो आई हैव नेवर लर्न है आई है

That had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now. <coughs> तब यहाँ पे जो है, मतलब he is describing little bit uh, मतलब his naughtiness के what he had done before, कि वो क्या करता था, मतलब lesson को लाने ना करके वो क्या करता था, ढूंढता रहता था पंछियों के एग्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन सी घोंसले मतलब पेड़ पे चढ़ के देखता था कि इस घोंसले में कितने अंडे दिए हैं, ठीक है? ठीके? तो ये सब जो है गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सर तो या फिर मान के चलो जहाँ पे जो ओपन ग्राउंड में जहां पे फील्ड में जो है लोग क्या करते थे प्रैक्टिस करते थे ठीक है मतलब uh, सर जो है सर यहाँ पे तुम तो कह सकते हो कि ए रिवर सर इज ए रिवर वहां पे बहुत सारे दो तीन एग्जाम्पल uh, पहले भी मिला है जैसे कि एक जगह आर्मी के कैंप लगा हुआ था उसमें uh, लोग अपने एक्सरसाइज कर रहे थे मतलब रेप राइड जो है वो कर रहे थे तो वहां पे जाने का मन करता था उसको यहाँ पे सिकिंग सिकिंग करने का तो ये कह रहा है कि करते थे हम और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सर सर क्या है ना सर इज ए रिवर विच पास थ्रू फ्रांस तो ये सर रिवर के बगल में वो जाकर बैठता था मतलब इधर उधर घूमता रहता था माई बुक्स डेट हेट सीम्सेंस न होता है एकदम फालतू बकवास लगता था मेरी बुक्स ए वाइल एगो थोड़ी देर पहले भी सो हैवी टू कैरी बहुत भारी लगता था माई ग्रामर अरे और मेरी ग्रामर की बात वो तो छोड़ दो तो एकदम बहुत हैवी लगता था मतलब टाफ लगता था मतलब आएगा ही नहीं मन में माइंड में घुसेगा ही नहीं एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेम वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ नाउ दैट आई कुड गिव लेकिन आई दैट आई कुड नॉट गिव अप आई कुड इस लाइन को थोड़ा देख लो क्योंकि तो जो सो हैवी टू सो हैवी टू कैरी मतलब इतना हैवी लगता था वो बुक के ये इसको कैरी करने में हैवी लगता था क्यों क्योंकि उस बुक से उसको कोई लगा हुई नहीं है माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स और साथ में उसकी हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स जो है वेर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ साथ में क्या लेकिन अभी जो है अभी वो नजरिया पूरी तरह से चेंज हो गया लेकिन ये सारी चीज इसके उसकी ग्रामर बुक एंड माई हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री है आप उसको लगे लगे? वो सारी चीज कैसे दैट आई कुड नॉट गिव इतना पुराना फ्रेंड हो चुका है वो मतलब लग रहा है उसको कि जिसको वो छोड़ नहीं सकता लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ही क्योंकि आज के बाद अब कहां से पढ़ाएगा है कौन

कभी नहीं देख पाऊंगा मुझे पूरी तरह से भूला दिया कि वो कितना पीटते थे उसकी रूलर के बारे में सोचना पूरी तरह से अब उसके रूलर के बारे में मेरे दिमाग में अब कुछ रहा ही नहीं एड हाउ क्रैंकी मतलब मैं पूरी तरह से भूल गया कि ये इंसान कितना पीटता है या फिर क्रैंकी है कितना क्रैंकी का मतलब स्ट्रेंथ या फिर तुम कह सकते हो शॉर्ट टेम्पर्ड ठीक है के कितना शॉर्ट टर्म पड़ा है होता नहीं है जब कोई इंसान ट्रांसफर हो जाता है या फिर छोड़ के चले जाते है तभी जाके उसके महत्व को समझ में आते है तो पोअर मैन बेचारा इंसान इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही तो यहाँ पे देखो पोअर मैन बेचारा इंसान यहाँ पे गरीब इंसान मत बोल देना इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन तो ये लास्ट लेसन के ऑनर पे मतलब टू टू दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन फाइन संडे क्लोज तो इसी वजह से वो अपने संडे अच्छा, क्लोज क्यों बताया गया संडे क्लोज मान के चलो इट्स लाइक ए जस्ट ए स्पेशल ओकेशन की तरह ठीक है तो हीड पुट ऑन इज फाइन संडे क्लोज एंड नाउ आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टूड और अब मुझे समझ में आया था वाई द ओल्ड मैन ऑफ दिलेज वेटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम क्यू विलेज के लोग वहां पर पीछे बैठे हुए थे इट वॉज बिकॉज दे वेर सॉरी रीजन ये है कि वो सब दुखी थे टू मतलब विलेजर्स भी दुखी थे साथ में हम सबके साथ दट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर दट दे हैड नॉट गॉन To school more. यहाँ पे जो है मतलब वो जो विलेजर्स थे वो विलेजर्स जो कभी स्कूल गए ही नहीं है ठीक है लेकिन उसको यहाँ पे तो यहाँ पे एक चीज और बता दो द

ही वु नेवर सी मिस्टर हैमेल अगेन तो दूसरी इसी तरह से वो सोच रहे हैं कि विलेजर्स भी ठीक इसीलिए आए हैं क्योंकि द विलेजर्स ऑल्सो डिड नॉट पे अटेंशन टू देर स्टडीज ड्यूरिंग द चाइल्ड हुड और स्कूल के टाइम पे ये सब भी मन रहा पढ़ाई नहीं किए थे तो वो सब अब दे रिग्रेट ठीक है दे आर दे ऑल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट स्टडीड चाइल्ड चाइल्डहुड well अच्छे से पढ़ाई ना करने की वजह से तो इट थैंकिंग थैंकिंग सॉरी पढ़ रहा था तो इट ऑफ थैंकिंग मतलब ये इन विलेजर्स विलेजर जो सोचते थे विलेजर के लिए ये एक जरिया है ये इसी, इसी तरीके से वो क्या थैंक्स देने आया है किसको ना आवर मास्टर को फॉर इज फोर्टी इन फेथफुल सर्विस क्योंकि चालीस साल का फेथफुल सर्विस मतलब चोरीदारी नहीं की है अपने काम को ड्यूटी को वो अच्छी तरह से की है काम चोरी नहीं की है एंड अब द कंट्री और दूसरी बात क्या है शोइंग देर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री और साथ में विलेजर्स भी अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे किसके लिए फॉर कंट्री के लिए दैट वाज देयर नो मोर जो कंट्री आप उन सब का नहीं है क्योंकि आप हार गया है ठीक है फ्रेंच जो है कैप्चर कर लिया गया है मतलब कॉन्कर कर लिया गया है तो अब यहाँ पे जो है फ्रांस जो है कॉन्कर कर लिया गया तो अब फ्रांस क्या हुआ फ्रांस अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो इसीलिए कह रहे हैं कि शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर जो कंट्री अब उसका नहीं रहा वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जब मैं ये सारी चीजें सोच रहा था आई गेट माई नेम कॉल्ड मैं सुना कि मेरा नाम लेके कोई बुला रहा था मतलब मैं सोच रहा था और एक चीज देखना जब कोई इन साइड टाइम दो ही सी और यू कैन यू कैन फाइंड आउट दैट द पर्सन इज नोटिसिंग यू और पर्सन इज लुकिंग इन एट दुकिंग द थिंग्स इन इज फ्रट लुकिंग एट इज एट इज फ्रंट बट एक्चुअली इज नॉट विनीथिंग और तुम कह सकते हो द इनर माइंड जो है वो ब्लॉक कर देते तुम अपने आंखों के सामने देखते तो रहोगे लेकिन कुछ देख नहीं पाओगे धुंधला सा तो इसीलिए तो उसको कि कि किसी ने उसके आई माई नेम कॉल उसके नाम लेके कोई बुला रहा है इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड अब ये मेरा टर्न आया रिसाइड करने के लिए रिसाइड मीन्स

क्या वो वेरी लाउड एंड क्लियर वॉयस में विदाउट वन मिस्टेक करके वो पढ़ नहीं पाएगा, लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक क्या वो कोई भी मिस्टेक ना करके वो नहीं पढ़ पाएगा क्या तो ये पूछा गया था ठीक है बट एक्चुअली जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है तो एक्चुअली

आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस देखो शौक की बात यह है कि मिस्टर हैमेल तब कह रहे हैं अरे चिंता मत करो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड है तुमको खुद बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो थैंक यू